A very good evening to all the viewers. Before I commence with the discussion, please can you let me know whether you are able to hear me properly or not? Before we commence with our discussion on today's budget, can you please let me know whether you are able to hear me properly or not? ले आओ यार, मेरे को भी फ्रेम में ले आओ। पढ़ा आप लोगों ने आज का बजट? डिड यू गो थ्रू टुडेज बजट? आज का बजट पढ़ा आप लोगों ने? The Honorable Finance Minister presented the budget today. People used to complain कि भाई उनकी budget speech बहुत लंबी होती है, but आज इन्होंने उस speech को 1.5 hours में ही आज उन्होंने उस speech को 1.5 hours में wrap up कर दिया। सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज जो हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज टू गेट एन आइडिया एज टू व्हाट वाज द बजट फॉर अस, कि ये जो बजट है उस बजट में क्या नया आया है हमारे लिए। सुबह से जब से बजट आया है, अलग अलग मीम्स एज यूजुअल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं और उन मीम्स में यही बात आ रही है दैट द सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जो कहते हैं कि भाई मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर द मिडिल क्लास। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू सी द स्टॉक मार्केट मूवमेंट, द एज पर द रिपोर्ट्स व्हिच वर देयर कि डे एंड के टाइम पे भी मार्केट काफी अच्छा बंद हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स प्लस मार्केट जो है वो बंद हुआ है। मतलब द मार्केट, स्टॉक मार्केट्स हैव रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली टू द डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन इन द बजट टुडे। बट द मिडिल क्लास एज यूजुअल इज वेरी डिसअपॉइंटेड के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं है। सो यार, व्हेनेवर द बजट कम्स, द एज यू नो द फाइनेंस मिनिस्टर रीड्स आउट द बजट स्पीच इन द पार्लियामेंट। The initial part A of the budget speech is with respect to general provisions as to what they will do in different sectors. Iske baad, then they turn to, after approximately 1 hour or so, jab ye sara discussion ho jata hai alag alag sectors pe, then the finance minister, as traditionally has been done, ki wo part B mein apne tax proposals ko, part B mein apne tax proposals ko wo leke aate hain. So our focus will be on the tax proposals, कि tax proposals क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं। At the very outset मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि भाई जो भी हमारे tax proposals आते हैं ना, direct tax के जो tax proposals होते हैं वो नए साल से applicable हो जाते हैं। जैसे आज जो budget में propose किया गया, those changes will be implemented with effect from previous year 2022-23. प्रीवियस ईयर 2022-23 से वो वाले प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल रहेंगे इन इनकम टैक्स। एंड इन सो फार एज जीएसटी इज कंसर्न, इन सो फार एज
जीएसटी इज कंसर्न्ड, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. द प्रोविजंस डू नॉट कम इनटू इफेक्ट ऑटोमेटिकली, द प्रोविजंस कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ डेट व्हिच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. सो यार आज जितना भी बजट देखने को मिला उसके अंदर दो चीजें बजट में बहुत छाई गई है जिसके बारे में हर जगह लिखा जा रहा है. एक तो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया है भाई, क्रिप्टो करेंसी जिसको लेके लोगों को नॉलेज कम है बट पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग. क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड जो है वो बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन भी गया बट आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी वापस अप पे. जब भी हम कोई आईपीएल का मैच देखते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच देखते हैं, वी जस्ट सी वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ ऐप जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी पे एक टैक्स लगाया गया है, बहुत ही हैंडसम टैक्स है 30% का. वो क्या चीज है वो भी एक बार देखेंगे. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन अपडेटेड रिटर्न, एक नया टॉपिक इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, अपडेटेड रिटर्न. तो ये अपडेटेड रिटर्न क्या होता है ये भी एक बार देखते हैं. सो यार एक चीज कॉन्स्टेंटली, नाउ आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, एक चीज ना कॉन्स्टेंटली बोली जा रही है कि टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज नहीं है, टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज नहीं है. द वन थिंग दैट इज वेरी प्रिवलेंट एंड दैट इज वेरी बीइंग वाइडली सेड टुडे इज कि टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है. एंड आई विल से यस, टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है बट देर इज अ चेंज विच हैज बीन ओवरलुक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जिसके बारे में कोई खास डिस्कशन हो नहीं रहा. क्या चेंज है? सी व्हेन आई कम टू द टैक्स रेट्स, जो टैक्स रेट्स मेरे पास प्रीवियस ईयर 21-22 में थी, वही टैक्स रेट्स मेरे पास प्रीवियस ईयर 22-23 में रहेगी. ये बात बिल्कुल फैक्ट है. Having said that, yes, cooperative societies के लिए बजट में थोड़ा सा चेंज है, cooperative societies के लिए थोड़ा सा rate of tax को rationalize किया गया है, I agree with that. But there is one very key change which has been overlooked by a lot of people. That change is with respect to surcharge on long-term capital gains. एक बार इस चेंज को देखने से पहले ना, let's just have a brief overview as to what are the surcharge rates which are prevalent right now. Okay, right now, kaun si surcharge rates are jo prevalent hai. So, the surcharge rates which are prevalent right now are, in case of assessees who are taxable at slab rates, hum kehte hain ki agar inki total income 50 lakh se zyada hai, lekin 1 crore ya isse kam hai, so they are liable to pay a surcharge of 10%. Kal ko total income 1 crore se zyada hai, lekin agar aapki total income 2 crore ya isse kam hai, you are liable to pay a surcharge of 15%. नेक्स्ट, कल को आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ या इससे कम है, यू आर लाइबल टू पे अ सरचार्ज ऑफ 25%. और कल को आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, यू आर लाइबल टू पे अ सरचार्ज ऑफ 37%. दीज आर दी 4 रेट्स ऑफ सरचार्ज दैट वी हैव स्टडीड या दैट वी नो. बट एक चीज हमने पैरेललीस पढ़ी हुई है दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जहां पे आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हैं और वो लॉन्ग टर्म है एंड यू पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन सेल एज वेल एज परचेस. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A. एंड डिविडेंड इनकम के रिस्पेक्ट में जो सरचार्ज है वो सरचार्ज 15% पे कैप किया जाता है. सो अ स्लाइट चेंज हैज बीन मेड टूडे. वॉट स्लाइट चेंज हैज बीन मेड टूडे? दैट all kinds of long term capital gain, earlier what used to happen was that long term capital gains, general long term capital gains pe jo slab rate hai wo general long term capital gains pe slab rates ye char hai, 10 15 25 37. lekin long term capital gain under section 112A pe jo surcharge rate hai it is capped at 15%. in today's budget, aaj ke budget mein har tarah ke long term capital gain pe na गवर्नमेंट ने जो रेट है वो रेट 15%, रेट ऑफ सरचार्ज जो है वो 15% पे कैप कर दी है. इफ आई कम टू पेज नंबर 24 ऑफ द बजट स्पीच, बजट स्पीच के पेज नंबर 24 पे अगर मैं आता हूं, ये बजट स्पीच जो है, ये जो आपको मैं द डॉक्यूमेंट्स दैट आई विल बी रेफरिंग इन टुडे सेशन विल बी द बजट स्पीच, द फाइनेंस बिल, द मेमोरेंडम, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट विच आई यूजुअली टेल इन द क्लास, indiabudget.gov.in, वहां से आप इसको देख सकते हैं. अदरवाइज आई हैव ऑल्सो शेयर्ड दीज ऑन माय टेलीग्राम चैनल. सो यहां पे ना एक पॉइंट लिखा है, फर्दर
दिस इज द पैरा 134 ऑफ द बजट स्पीच, रैशनलाइजेशन और सरचार्ज. द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स यूनिट्स एक्सेट्रा आर लाइबल टू मैक्सिमम सरचार्ज ऑफ 15%. दैट इज, इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. While the other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge मतलब multi-tier surcharge, which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. So, surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets is being capped at 15%. Surcharge on long-term capital gain arising on any transfer of any type of assets is being capped at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposals on extending tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. So, kya hua hai? With effect from previous year 2022-23, all kinds of long-term capital gains, chahe wo section 112 mein cover ho, chahe wo section 112A mein cover ho, the rate of tax on those, the rate of surcharge on those long-term capital gains is being capped at 15%. वैसे तो, as I said, कि आपके पास long-term capital gains, general long-term capital gains के लिए 4 rate of surcharge applicable है, लेकिन अब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A एंड डिविडेंड इनकम 15%, इन पे सरचार्ज जो 15% पे कैप किया जाता है, सो इसी तरह से जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो सरचार्ज है वो भी 15% पे कैप कर दिया जाएगा. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 में कवर हो चाहे 112A में कवर हो, उस पे जो रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ सरचार्ज है, दैट शैल बी कैप्ड एट 15% इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट. Irrespective of the fact whether it is covered under 112 or 112A. Earlier, we used to make a distinction between the long-term capital gains. That if the long-term capital gains are covered under section 112, the rate of surcharge is different. And if the long-term capital gains are not covered under section 112A, they are subjected to these 4 rates of surcharge. Ab sawal hi uthta hai ki iska fayda kisko? Iska fayda dekho, middle class ko to kuch khas hai nahi. Kyun? बिकॉज ये एक तरह से आपको 25% और 37% के सरचार्ज से बचा रहा है, जो तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा या 5 करोड़ से ज्यादा हो. अ मिडिल क्लास पर्सन डज नॉट अर्न सच हाई लेवल ऑफ इनकम. फॉर वेरी वेल्दी इंडिविजुअल्स, जिनकी जिनकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती है प्रॉपर्टी में, अलग अलग जगहों पर, गोल्ड में, इफ दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. टू बी ऑनेस्ट, येस, इट्स अ गुड चेंज, बट दिस चेंज इज नॉट giving benefit to the society at large. This change will give benefit to the persons who are very wealthy persons who are earning very high levels of income. So this was one change that was really overlooked by a lot of discussion that was going today, but yes, it is a very key change under the income tax law. Now continuing with the point ki bhai rates mein koi change nahi hai, but rate ke andar ek aur relaxation hai. There is one more relaxation. What is that relaxation? एक कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमारे पास एक सेक्शन होता है, सेक्शन 115BAB. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमारे पास एक सेक्शन होता है, सेक्शन 115BAB. ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इनके लिए एक सेक्शन 115BAB इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, ऑल ऑफ अ सडन थ्रू एन ऑर्डिनेंस. इफ यू रिमेंबर 2019 के अंदर व्हेन द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर टुक चार्ज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक मार्केट वॉज गोइंग डाउन बिकॉज द मार्केट सेंटिमेंट इन द रिगार्डिंग द गवर्नमेंट वॉज वेरी नेगेटिव. सो गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से बहुत मेजर थे सेक्शन 115BAA एंड सेक्शन 115BAB. कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में इन्होंने कहा कि हम आपसे टैक्स लेंगे एट 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेसेस. That we will take tax from you at 15% plus 10% surcharge plus 4% cesses. These changes were introduced. And ये change इतना welcome change था कि इसकी वजह से उस दिन stock market बहुत ऊंचा एकदम से jump हुआ था. It was a very historic day for the stock market when this ordinance was introduced. The section 115BAB was applicable for new manufacturing companies which were incorporated in India. एंड उसमें बोला गया था कि इंडिया में अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो 31 मार्च 2023 तक, तो आपके लिए, मतलब 31 मार्च
फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बोलूं तो 31 मार्च 2022 तक अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहां पे एक साल आगे और एक्सटेंड कर दिया है, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस टाइम पीरियड कि आप एक साल और आगे तक रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। सो इन दिस कंटेक्स्ट वेयर हैज दिस बीन एड्रेस्ड इन द स्पीच पैरा 130, इंसेंटिव्स फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अंडर कंसेशनल टैक्स रिजीम इन एन एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबली कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट फॉर सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज। A concessional tax regime of 15% tax was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115BAB by 1 year from 31st March 2023 to 31st March 2024. ये ना assessment year के perspective से लिखा होता है, तो अगर मैं previous year के perspective से देखूं तो ये जो लास्ट डेट थी कि आपके जो कमेंसमेंट है वो 31st मार्च 2022 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहां पे 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया। सो नाउ यू कैन स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग बाय 31st मार्च 2023। यू कैन स्टिल ओपन या यू कैन स्टिल फॉर्म अ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड यू विल स्टिल बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115BAB। इट्स अ वेरी की चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये, बिकॉज अदरवाइज ये सेक्शन 115BAB का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाता, उसका सनसेट क्लॉज आ जाता, बट गवर्नमेंट ने यहां पे इसे एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में गवर्नमेंट ने सरचार्ज रेट चेंज किया है, सो इट डज नॉट इंपैक्ट द जनरल पब्लिक एज सच। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ बहुत डिफरेंट सेगमेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे व्हाट इज द टैक्स रेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सरचार्ज के क्या रेट्स रहती हैं? तो सरचार्ज के लिए हम कहते हैं कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है नो सरचार्ज, और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे सरचार्ज लगता है 12% का। यह पोजीशन रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। आज के लॉ में क्या किया गया, आज के लॉ में इनके लिए टू टीयर सरचार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि टोटल इनकम 1 करोड़ तक की है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ या इससे कम है तो आपके लिए 7% का सरचार्ज है, एंड अगर टोटल इनकम आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 12% का सरचार्ज है। आज के बजट में ये वाले पॉइंट्स बोले गए। स्टिल ठीक है, बेनिफिट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, बट दिस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल टू द जनरल पब्लिक एज सच, इट इज टू अ वेरी वेरी पर्टिकुलर सेगमेंट अंडर द इंडियन लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बेनिफिट है। सो यस, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इफ अ जनरल पर्सन लुक्स अप टू द बजट टुडे एंड वो कहता है कि मेरे लिए इस बजट में कोई टैक्स रेट्स कम हुई है, तो डिसअपॉइंटिंगली इस बजट में कोई भी टैक्स रेट्स कम नहीं हुई है, कोई भी टैक्स रेट्स इस बजट में कम नहीं हुई है। नो टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड व्हाटसोएवर अपार्ट फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। सो अ जनरल पर्सन एज आई सेड इज वेरी डिसअपॉइंटेड। पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल वर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन बिजनेस, अ लॉट ऑफ डिस्क्रप्शन इन बिजनेस ड्यू टू कोविड। दे वर एक्सपेक्टिंग सर्टेन जेन्युइन बेनिफिट्स कि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जो सैलरीड क्लास है वो सैलरीड क्लास पिछले कम से कम 2 सालों से घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द पर्संस आर एट होम एंड दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ केयर टेकर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर हाउस, इन ऑर्डर टू कुक देयर फूड, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली बेबीज एक्सेट्रा। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद जो सेक्शन 16(1)A में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है गवर्नमेंट शायद वो इंक्रीज कर दे। डिसअपॉइंटिंगली गवर्नमेंट ने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है, कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट कोई डिडक्शन इंक्रीज कर दे, एग्जिमिशन इंक्रीज कर दे या टैक्स रेट्स कम कर दे, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में भी डिस्कशन नहीं है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA। अगर मैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लूं और उस पर इंटरेस्ट पे करूं, अगर मैं
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लूं और उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे करूं, जिस इंटरेस्ट का डिडक्शन मेरे को सेक्शन 24B में नहीं मिल पाता, उस इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन में सेक्शन 80EA में क्लेम कर सकता हूं। ये हमारा लॉ होता है कि सेक्शन 80EA कहता है कि अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, यू आर परचेजिंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग फुल बेनिफिट फॉर योर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, यू कैन क्लेम डिडक्शन फॉर द एक्सेसिव इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EA सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट प्रोवाइडेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख। अगर मैं सेक्शन 80EA की थोड़ी सी हिस्ट्री को ट्रैक करूं ना, 80EA वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फाइनेंस एक्ट 2019 जो जुलाई 2019 में आया था, और यहां पे इनिशियली लिखा था कि सेक्शन 80EA शैल बी एप्लीकेबल इफ द लोन इज सैंक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपका लोन सैंक्शन होता है तो आप सेक्शन 80EA में बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद फिर हमारा आया बजट 2020 और बजट 2020 आया फरवरी 2020 में, यहां पे लिखा कि इसको प्लस 1 ईयर कर दो, मतलब आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो सकता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक। इसके बाद बजट 2021 आया, बजट 2021 फरवरी 2021 में, इस पे प्लस 1 ईयर और तक दिया गया, तो ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 हो गया। आज के बजट में इसके ऊपर देयर इज नो डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन नहीं है। जब इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, दैट मींस इस सेक्शन का सनसेट क्लॉज अब एक्टिव हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स कोई भी नया लोन सैंक्शन करवाओगे कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है एंड यू फुलफिल द अदर कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 80EA, यू विल नॉट बी बेनिफिट फॉर सेक्शन 80EA बिकॉज 80EA विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर फ्रेश लोन्स। जिन लोगों ने पहले लोन ले रखे हैं और वो आज के डेट में इंटरेस्ट पे करेंगे, दे शैल कंटिन्यू टू टेक बेनिफिट अंडर सेक्शन 80EA, बट अ पर्सन हु इज टेकिंग अ फ्रेश लोन फॉर परचेजिंग अ फ्रेश रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है किसी भी तरह का। सो यू सी दैट कुछ ना बोल के भी आपसे आपका बेनिफिट अब खत्म हो गया है। कई बार स्पेसिफिकली कोई बेनिफिट आपके लिए हटा दिया जाता है, यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया तो वो जो टाइम है वो टाइम अब सनसेट क्लॉज अपने आप एक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से आपका बेनिफिट नहीं रहेगा। मूविंग ऑन टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन टूडेज बजट, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी। भाई क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एंड रियलिटी इसकी क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, दे आर हाईली क्वेश्चनेबल। सी व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी, अगर मैं किसी कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता हूं, मेरे को पता होता है मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस इन्वेस्टमेंट के क्या फैक्टर्स हैं। आई कैन एक्चुअली सी कि भाई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है माई इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, कंपनी बुरा परफॉर्म करती है माई इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। बट विथ रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी, ये एक्चुअली में यही बोला जाता है कि आप बंद आंख बंद करके अंधेरे में तीर मार रहे हो। बट बात क्या है, किसी चीज की अगर पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले की बात है, रिसेंट थोड़े दिन पहले ही, नॉट लॉन्ग बैक, थोड़ा टाइम पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब लोगों ने पिछले 2-3 साल पहले लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में पैसा बहुत लगाना चालू कर दिया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी कि भाई हमारी कोई लीगल बैकिंग नहीं है इस चीज को, वी डू नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी लीगल बैकिंग टू द क्रिप्टो करेंसी। कल को अगर आपके नुकसान होते हैं तो वो नुकसान आप खुद भुगतिएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है वो गवर्नमेंट चाहते हुए भी नहीं रोक पाती है। देयर आर पीपल जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत मोटा पैसा कमाया है,
एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोकरेंसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. इफ आई इवन सी अ क्रिकेट मैच, उस क्रिकेट मैच के दौरान भी बहुत बार अलग अलग एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको क्रिप्टोकरेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करती हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वो आई थिंक एक ऐप भी है जिसका वो रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर है, रैप करते हुए बोलता है कि अच्छा मैं अमीर नहीं हूं बट स्टिल मैं क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगा सकता हूं, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो क्रिप्टोकरेंसी में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. नाउ रिकॉग्नाइजिंग दैट ट्रेंड, गवर्नमेंट हैज टू इंट्रोड्यूस सम टैक्सेशन मैकेनिज्म. लोग पैसा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट उस पैसे पे टैक्स ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता. लोग पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे पे गवर्नमेंट टैक्स ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लेके आएंगे. इफ यू सी इनिशियली हमने उसको निग्लेक्ट किया कि हम तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, लेकिन लोग तब भी पैसा लगाए जा रहे हैं और पैसा कमाए जा रहे हैं. तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा पैसा कमाए जा रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो, तो हम भी इस पे टैक्स लेके आएंगे. प्लस गवर्नमेंट ने एक और चीज बोल दी, गवर्नमेंट ने कहा हम अपनी भी एक डिजिटल करेंसी निकालेंगे, हम अपनी भी डिजिटल करेंसी निकालेंगे. एक और चीज, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इस क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने नाम एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं बोला, इसको गवर्नमेंट ने बोला वर्चुअल डिजिटल असेट. इसके लिए जो नाम लिया गया है वो लिया गया है वर्चुअल डिजिटल असेट, वर्चुअल डिजिटल असेट. हां जी, दिव्यांग लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं. सो वर्चुअल डिजिटल असेट को टैक्स करने के लिए एक नया सेक्शन लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट सेक्शन इज सेक्शन 115BBH. सेक्शन 115BBH हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लॉ. सेक्शन 115BBH में गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पे हम फ्लैट 30% पे टैक्स लेंगे. अब पता है एक चीज, लोगों ने वैसे तो इस बजट को बहुत क्रिटिसाइज किया कि जनरल पब्लिक के लिए तो इसमें कुछ है नहीं, जो बात कहीं ना कहीं फैक्ट है. बट द पॉइंट इज व्हाई हैज द स्टॉक मार्केट रिजन सो मच. आज स्टॉक मार्केट इतना क्यों इंक्रीज हुआ, लो मैं एक बार एग्जैक्ट फिगर देख लेता हूं कि क्या स्टॉक मार्केट में इंक्रीज रहा है आज का. स्टॉक मार्केट क्लोजिंग टूडे, स्टॉक मार्केट आज की डेट में 848 पॉइंट्स जो है वो ऊपर बंद हुआ है. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल चेंज, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज. दैट मींस जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में तो परसेप्शन बजट को लेके बहुत पॉजिटिव गया. नंबर वन, पीपल आर सेइंग दैट जनरल पब्लिक के लिए इस बजट में कुछ है नहीं. नंबर टू, क्रिप्टो करेंसी पे फ्लैट 30% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. स्टिल स्टॉक मार्केट 848 पॉइंट्स ऊपर क्यों गया, कोई बता पाएगा ऐसा क्यों हुआ होगा. मैं भी कुछ एस्टिमेट से लगा सकता हूं, सी आई वोंट बी गिविंग यू कि भाई जो मैंने बोला वही एकदम ठीक है, बट यस देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम बोल सकते हैं कि इस कंटेक्स्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किए. अगर हम आज का बजट पढ़ते हैं ना, आज के बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया. आज के बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग अलग चीजें बनाएंगे. आई वॉज रीडिंग दी स्पीच, दे सेड कि नेशनल हाईवेज जो है, नए नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे वर सेड 25,000 किलोमीटर्स ऐड करेंगे इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज. अब क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स आया है, ये एक तरह से तो हमें डिमोटिवेट करता है, बट स्टिल इससे एक चीज पता चलती है दैट गवर्नमेंट इज नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी को जो गवर्नमेंट आज तक नेग्लेक्ट करती हुई आई है, गवर्नमेंट इसे फाइनली रिकॉग्नाइज कर रही है. मतलब फॉर एन इन्वेस्टर नाउ मल्टीपल ऑप्शंस विल ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, धोखाधड़ी भी होगी स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा. वो एक आपने सुना था ना, एक वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी स्क्विड गेम्स,
वो स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आई थी, जिन लोगों ने भी पैसा इसमें लगाया सारा पैसा डूब गया, बिकॉज बंदों ने अगले दिन ही इसे निल डिक्लेयर कर दिया कि खत्म हो चुका है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है, नेशनल हाईवेज पे बहुत फोकस है, ट्रेन्स और स्टार्ट की जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसी को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज है, एससीजी के लिए नया लॉ आएगा, न्यू लॉ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। इंडिया में अभी एक एक्ट है, एससीजी एक्ट 2005, द गवर्नमेंट सेड दैट दे विल ब्रिंग इन अ न्यू लॉ विथ रिस्पेक्ट टू, दे विल ब्रिंग इन अ न्यू लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेके ये नया लॉ लेके आएंगे, ये देखो पैरा 86 ऑफ द स्पीच, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट विल बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू लेजिस्लेशन दैट विल इनेबल द स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. इसके अलावा और इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे यहां पर, इन पार्ट ए ऑफ माई स्पीच आई हैव रेफर्ड टू द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. So, yaar, agar main market mein investor hoon, main kya dekhta hoon? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है, और अच्छे नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे जिससे मूवमेंट जो है गुड्स की वो और क्विक हो जाएगी। इसके बाद और ट्रेन स्टार्ट हो गई हैं, क्रिप्टो करेंसी को लीगली रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, दैट मींस देयर विल बी मोर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मी नाउ, जिसके थ्रू मैं पैसा रिकॉग्नाइज कर मैं पैसा लेके आ सकता हूं। अच्छा, एक और चीज, गवर्नमेंट ने कहा हम खुद की ओन डिजिटल करेंसी निकालेंगे, हम खुद की ओन डिजिटल करेंसी निकालेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नया लॉ आ रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोबाइल फोन्स पे कस्टम्स ड्यूटी भी कम करने के लिए कहा है। देखो, वैसे भी टेक्नोलॉजी के साथ चीजें डिजिटली मूव हो गई थी, एंड कोविड की वजह से जो डिजिटलाइजेशन है वो डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इस चीज को गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है। आज इन्होंने बोला कि हम कोई डिजिटल यूनिवर्सिटी भी लॉन्च करेंगे। अब मैक्सिमम काम हमें जो करना होता है डिजिटली, वो हम अपने मोबाइल फोन से करते हैं। सो जब इन सारे फैक्टर्स को कंबाइंडली देखा जाता है, तो सारे कंबाइंड फैक्टर्स को देख के लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली बातें कर रही है। वो अल्टीमेटली चाहती है कि इकोनॉमी में बिजनेस बढ़े, इकोनॉमी फ्लरिश करे, बिजनेस के और एवेन्यूज खुले, इन्वेस्टमेंट के और एवेन्यूज खुले। तो ओवरऑल मार्केट में जो परसेप्शन है, वो ओवरऑल मार्केट में परसेप्शन बजट को लेके बहुत अच्छा है, क्योंकि एज सच बिजनेस पे कोई भी टैक्स रेट्स को इंक्रीज नहीं किया गया, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स आया है। और एक जैसे मैंने बोला, मार्केट में जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं, बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, दे कैन सी दैट ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट देर विल बी अर्निंग, the tax rate has been, the surcharge rate has been capped at 15%. So see, it is an interlinking of a lot of factors. It's just not the taxation perspective. These kind of things also matter in determining the direction of the stock market. As a coming back to the cryptocurrency, cryptocurrency pe government ne kaha ki hum flat 30% ka tax lagayenge. On cryptocurrency, we will levy a tax of flat 30%. 30% tax से फ्लैट, वाइड सेक्शन 115 BBH। फिर गवर्नमेंट ने एक और चीज कही कि क्रिप्टो करेंसी पे जब आप कैपिटल गेन्स निकालेंगे, तो कैपिटल गेन्स निकालते टाइम पे नो एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई भी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना अलाउड नहीं है।
इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भी लॉस है तो वो लॉस आपके लिए डेड लॉस है भाई, सीधी सी बात है। जैसे हम कैजुअल लॉस के लिए नहीं बोलते कि कैजुअल इनकम, जिन सोर्सेस से कैजुअल इनकम आती है उन सोर्सेस से कैजुअल लॉस भी आ सकता है, जिन सोर्सेस से कैजुअल इनकम आती है उन सोर्सेस से कैजुअल लॉस भी आ सकता है। और हम बोलते हैं इनकम टैक्स में कैजुअल लॉस जो है वो एक डेड लॉस है, इट हैज नो टैक्स ट्रीटमेंट व्हाटसोएवर, इसमें इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है। तो क्रिप्टो करेंसी के लॉस को भी इन्होंने डेड लॉस बोल दिया, बिकॉज यहां पे रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाओगे तो टैक्स दो, क्रिप्टो करेंसी में पैसा गवाओगे गवर्नमेंट से कोई एडजस्टमेंट मत एक्सपेक्ट करो। क्रिप्टो करेंसी में कोई पैसा कमाओगे टैक्स दो, क्रिप्टो करेंसी में कोई पैसा गवाओगे कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं मिल पाएगा लॉस का। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रैक कर सके। देखो हर बजट में ना हमें टीडीएस के नए सेक्शंस का गिफ्ट मिलता है, हर बजट में हमें गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिलता है अ न्यू सेक्शन इन टीडीएस। हर बजट में, बजट 2019 था जो निर्मला सीतारमन मैम ने प्रेजेंट किया था आफ्टर इलेक्शंस, उन्होंने उसमें दो नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस करा दिए थे, सेक्शन 194M एंड 194N। इसके बाद मैडम 2020 में बजट लेके आई तो इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया सेक्शन 194O। फिर इसके बाद 2021 लेके आए तो इसमें इन्होंने टीडीएस में सेक्शंस इंट्रोड्यूस करा दिए सेक्शन 194P एंड 194Q। आज की डेट में भी मैडम दो गिफ्ट देके गई है 2022 में, सेक्शन 194S एंड 194R एंड 194S, दो गिफ्ट देके गई है। हर साल टीडीएस के नए गिफ्ट देके जाती है मैम। थोड़े दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा मेरे पास ये जेड तक पहुंच जाएगा, फिर नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 194R एंड 194S, ये सारा चलता रहेगा इस तरह से। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर 194S के हिसाब से टीडीएस का लॉ भी लगा दिया गया है, 194S का टीडीएस का लॉ भी लगा दिया गया है। मैं थोड़ा सा बजट स्पीच से आपको रीड आउट कर देता हूं कि क्या क्या चीजों ने क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस की है। ये देखो, देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज इन ट्रांजैक्शंस इन वर्चुअल डिजिटल एसेट। सबसे पहली चलाकी इन्होंने बोला वर्चुअल डिजिटल एसेट, दे डिड नॉट यूज द वर्ड क्रिप्टो करेंसी। मतलब फ्यूचर में अगर कोई नया तरह का डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी आता है, तो वो भी आपके लिए इसमें कवर हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस हैव मेड इट इंपेरेटिव टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक टैक्स रेजिम। खुद ही ने बोल दिया इन्होंने कि यार लोग इतना पैसा लगा रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली पैसा लगा रहे हैं, हमारा मन नहीं मान रहा, हम तो टैक्स लेके गएंगे। मतलब खुलेआम एडमिट कर रहे हैं कि हमारी नीयत खराब है, ये ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, इतना मैग्नीट्यूड है कि हम तो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाएंगे। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आई प्रपोज टू प्रोवाइड दैट एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्दर लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। लॉसेस का कहीं पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजैक्शन डिटेल्स आई ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच कंसिडरेशन अबव अ मॉनिटरी थ्रेशोल्ड। गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपियंट। मतलब मैम कहीं तो कोई बेनिफिट दे दो, कहीं तो छोड़ दो। नहीं जी, हर तरह से ट्रांजैक्शन को निचोड़ के रहेंगे ये। अगर मैं मेमोरेंडम में देखूं, अगर मैं जो मेरा ये मेमोरेंडम है इस मेमोरेंडम में देखूं कि इस कंटेक्स्ट में क्या क्या कहा गया है, ये देखो ये मेमोरेंडम है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैव गेन ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी इन रिसेंट टाइम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन सच डिजिटल एसेट हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली।
Further, a market is emerging where payment for transfer of a virtual asset, virtual digital asset, can be made through another such asset. Accordingly, a new scheme to provide for taxation of such virtual digital asset has been proposed in the bill. Virtual digital assets have gained tremendous popularity in recent times, and the volume of trading in such digital asset has increased substantially. Further, a market is emerging where payment for the transfer of a virtual digital asset can be made through another such asset. उन्होंने कहा कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट को खरीदने के लिए आप किसी दूसरे वर्चुअल एसेट को यूज कर सकते हो, मतलब कंसिडरेशन जो है मॉनिटरी फॉर्म में नहीं है, नॉन मॉनिटरी फॉर्म में चली जाएगी. द प्रपोज सेक्शन 115 BBH सीक्स टू प्रोवाइड दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन इनकम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30% एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बीन रिड्यूस्ड बाय द एग्रीगेट ऑफ द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट. हाउएवर, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition or allowance or set off of any loss shall be allowed to the assessee under any provision of the act while computing income from transfer of such asset. Further, no set off of any loss arising from transfer of virtual digital asset shall be allowed against any income computed under any other provision of the act, and such loss shall not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years. Iske baad inhone kya bola? In order to widen the tax base from the transactions so carried out in relation to these assets, it is proposed to insert section 194S to the Act to provide for deduction of tax on payment for transfer of virtual digital asset to a resident at the rate of 1% of such sum. यहाँ पे monetary threshold इस section में 50,000 का दिया है. तो भाई वर्चुअल डिजिटल असेट क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया. इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल असेट जो है, वर्चुअल डिजिटल असेट पे इन्होंने सेक्शन 194S का टीडीएस का लॉ भी इंट्रोड्यूस कर दिया. विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्सेशन, यार इंडेक्सेशन के रिस्पेक्ट में ना यहां पर तो कोई बात लिखी हुई दिख नहीं रही. आई नीड टू चेक द फाइनेंस बिल सेक्शन 115BBH में अगर कोई बात इस कंटेक्स्ट में लिखी हुई है. देख के तो लग नहीं रहा कि इंडेक्सेशन का कोई इनका बेनिफिट देने का मन है. लेट मी जस्ट चेक 115BBH में कोई ऐसी बात लिखी है. यार 115BBH में तो इंडेक्सेशन के कंटेक्स्ट में कोई भी बात लिखी नहीं है. लेट अस सी व्हाट क्लैरिफिकेशंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर इन दिस रिगार्ड. इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या क्लैरिफिकेशंस लेके आती है उससे और अच्छे से पता चलेगा हमें, क्योंकि ये सेक्शन 115BBH जो है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा. ऑल दो यहां 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 असेसमेंट ईयर के परस्पेक्टिव से लिखा हुआ है. दिस इज रिटन विथ रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर. तो फिलहाल तो अभी तो इमीजिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन. जब गवर्नमेंट इसे एप्लीकेबल कराएगी मे बी उस टाइम पे वो कुछ इसके अंदर पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर दे. तो क्रिप्टो करेंसी पे तो गवर्नमेंट ने अच्छे से प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं. मूविंग ऑन, और क्या है भाई? अच्छा, टीडीएस में जो एक और गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट आया वो गिफ्ट देख लेते हैं क्या है. व्हाट इज दैट गिफ्ट दैट गवर्नमेंट हैज गिवन अस अंडर टीडीएस. सो टीडीएस में सेक्शन 194S तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो पेमेंट्स मिल रही है, जो बायर सेलर को पेमेंट करेगा उस टाइम पे बायर टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 1% अंडर सेक्शन 194S. क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ने और क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं? नीयत खराब है, अच्छे से गवर्नमेंट की नीयत खराब है. सेक्शन 194IA जहां पे मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करता हूं, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के कंटेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ है? टीडीएस इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेलिंग प्राइस. ये कहा जाता है दैट टीडीएस इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेलिंग प्राइस. द पॉइंट इज, अगर मेरा सेलिंग प्राइस प्रॉपर्टी का लेट अस सपोज 60 लाख है और मेरी प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख है. सो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट 1% ऑफ 60 लाख. 60 लाख का 1% मेरे को टीडीएस पे करने की जरूरत है. आई एम रिक्वायर्ड टू पे अ टीडीएस एट 1% ऑफ 60 लाख रुपीस.
टीडीएस के सेक्शन 194 आई ए में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता हमें, लेकिन आज के बजट में देखो इस बारे में इन्होंने बजट स्पीच में तो कोई बात नहीं बोली, वहां तो कट लिए पतली गली से, और देखो इन्होंने क्या बात लिखी हुई है 194 आई ए। इमूवेबल प्रॉपर्टीज से मिलेगा रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 194 आई ए ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेट सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट any sum by way of consideration for transfer of any immovable property other than agricultural land at the time of credit or payment of such sum to the resident at the rate of 1% of such sum as income tax thereon. Subsection 2 provides that the no deduction of tax shall be made where the consideration for the transfer of an immovable property is less than rupees 50 lakhs. As per the provisions of the said section, TDS is to be deducted on the amount of consideration paid by the transferee to the transferor. This section does not take into account the stamp duty value of the immovable property, whereas the provisions of section 43 CA and 50 C of the Act consider stamp duty value. Thus, there is inconsistency in the provisions of section 194 IA and section 43 CA and 50 C of the Act. In order to remove inconsistency, it is proposed to amend section 194 IA of the Act to provide that in case of transfer of an immovable property, TDS is to be deducted at the rate of 1% of such sum paid or credited to the resident or the stamp duty value of such property, whichever is higher. So now what is the law that is being proposed to be changed in section 194 IA? Under section 194 IA, government is saying कि आपको TDS काटना है at 1% ऑफ सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। 1% ऑफ सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है जी। सो इफ दिस इज दी इफ दीज आर दी फिगर्स दैट आई गिव यू अगेन, सो विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2022-23 TDS विल बी डिडक्टेड एट 1% ऑफ 85 लाख। सही है ना। इसके अलावा टीडीएस का एक नया गिफ्ट, है सेक्शन 194 आर। बजट स्पीच में क्या कहा गया है 194 आर के लिए देख लेते हैं भाई। बजट स्पीच में 194 आर के लिए कहा गया है, कहां कहा गया है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। पैरा 137। एक तो ये वर्ड इनका फेवरेट है, रैशनलाइजेशन। आज तक मेरे को तो क्लियर ही नहीं हो पाया रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, हर जगह कोई भी चेंज करना हो, रैशनलाइजेशन। इट हैज बीन नोटिस दैट एज बिजनेस प्रमोशन स्ट्रैटेजी देयर इज अ टेंडेंसी ऑन बिजनेसेस टू पास ऑन बेनिफिट्स टू देयर एजेंट्स। Such benefits are taxable in the hands of the agent. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceed ₹20,000 during the financial year. अगर एक कंपनी अपने सेलिंग एजेंट्स को कोई भी पैसा देती है, कोई भी एडिशनल बेनिफिट पे करती है, परक्विजिट प्रोवाइड करती है, उस पर यह है, ये देखो। As per clause 4 of section 28 of the Act, the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of profession is to be charged as business income in the hands of the recipient of such benefit or perquisite. However, in many cases, such recipient does not report the receipt of benefits in the return of income, leading to furnishing of incorrect particulars of income.
Accordingly, in order to widen and deepen the tax base, it is proposed to insert a new section 194R to the Act to provide that the person responsible for providing to any resident any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from carrying out of a business or exercising of a profession by such resident, shall deduct tax in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate value of such benefit or perquisite. जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो अपने एजेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, ट्रैवल एजेंसी जो है वो अपने एजेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट देती हैं, और इस सेक्शन में जो थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस किया है वो 20,000 रुपए का है. नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट पेड और लाइकली टू बी पेड टू अ रेजिडेंट डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर. इसके अलावा जो लास्ट ईयर सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, लास्ट ईयर सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, और सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, कुछ सेक्शन थे, एक था 206AB और एक था 206CCA, कि अगर डिडक्टर या कलेक्ट जो डिडक्टर है सॉरी जो डिडक्टी है, अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो TDS आप ज्यादा रेट पे काटोगे. Higher rates of TDS and TCS were prescribed for non-filers of income tax returns. Higher TDS rates and TCS rates were prescribed for persons. Higher TDS rates and TCS rates, higher TDS and TCS rates were prescribed for non-filers of income tax. यहाँ पे बोला गया था कि अगर जो हमारा deductee है वो एक specified person है तो TDS rate कटेगा at the rate which is given under the law or 5% whichever is higher. इस context में law दिया गया हुआ था. If I refer it properly, ये था section 206AB. Section 206AB provides that for amounts paid or payable to a specified person, TDS shall be deducted at higher of the following rates. Twice the rate prescribed under the relevant provision of the Income Tax Act or Finance Act of 5%. A specified person is a person who has not filed his income tax returns for both of the two assessment years relevant to the two previous years immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted. And the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is ₹50,000 or more in each of these two previous years. मतलब पिछले दो सालों की person ने अपनी return नहीं भरी है और पिछले दोनों सालों में उसका TDS और TCS मिला के individually हर साल 50,000 से ज्यादा था. तो इस section में ज्यादा लोग attract करने के लिए यहाँ पे बोला गया था कि पिछले दोनों सालों में, तो अब यहाँ पे दो साल से लेके condition एक साल लिख दी गई है कि अगर पर्सन ने पिछले साल की रिटर्न नहीं भरी है और पिछले साल उसका TDS और TCS 50,000 से ज्यादा था, तो फिर उस पर सेक्शन 206AB या सेक्शन 206CCA लग जाएगा. सो भाई, जैसे गवर्नमेंट ने हमेशा TDS के टॉपिक को यूज किया है लोगों पे नई लाइबिलिटीज डालने के लिए, लोगों पे नया बर्डन डालने के लिए, वही काम गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग बजट के अंदर भी किया हुआ है. Next, another very important thing and a new concept that has been introduced today is with respect to an updated return. अचानक से एक नया शब्द आ गया, updated return, और इन्होंने बोला कि आप updated return जो है ना वो assessment year के end से अगले दो साल तक भर सकते हैं. तो एक बार तो दिमाग घूमा कि कहीं ये updated return से revised return तो कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप अपने return को revise करो, क्योंकि जो बजट स्पीच थी, बजट स्पीच में तो इस कंटेक्स्ट में कुछ प्रॉपर चीजें लिखी नहीं हुई थी. व्हाट इज द अपडेटेड रिटर्न के बारे में क्या लिखा गया? सो इन्होंने क्या लिखा यहां पे, हीरा Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return. Highlight bhi kiya bold mein.
on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. तो यार समझ नहीं आया कि अपडेटेड रिटर्न जो है कहीं रिवर्ट रिटर्न रिवीजन पे तो कुछ लॉ चेंज नहीं कर रहे। फिर बाद में जब फाइनेंस बिल देखा, मेमोरेंडम देखा, तो क्लियर हो गया कि ये रिवाइज रिटर्न के टॉपिक को नहीं छेड़ रहे। दे आर सेइंग कि अपडेटेड रिटर्न लेके आ रहे। आज के डेट में क्या है भाई, आज के डेट में बहुत सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है जो गवर्नमेंट भी कैप्चर करती है अलग अलग प्रोसेस से। तो गवर्नमेंट अब कह रही है कि अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपने कुछ इनकम जो है जो डिस्क्लोज करनी चाहिए थी वो नहीं करी है, तो फिर आप यहां पे आ जाओ। कल को आपसे कोई गलती होगी, रिटर्न भरते टाइम पे इनकम मिस आउट हो गई, तो आप यहां पे आ जाओ, अपडेटेड रिटर्न भर दो। अब आप कहोगे सर अपडेटेड रिटर्न क्या है भाई, अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप डिटेल दो, आपने जो इनकम कमाई है कितना टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स बनता है वो प्रॉपर देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट बनता है वो भी प्रॉपर देना पड़ेगा, और कुछ एडिशनल टैक्स नाम की चीज आई है वो भी देनी पड़ेगी। प्रेजेंटली इफ द डिपार्टमेंट फाइंड आउट दैट सम इनकम हैज बीन मिस्ड आउट बाय द एसएससी, इट गोज थ्रू अ लेंथी प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन। अगर एसएससी ने कोई इनकम मिस कर दी है तो वहां पे बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ऑफिसर आपके अगेंस्ट नेगेटिव एक्शन लेता है। Instead, with this proposal now, there will be a trust reposed in the taxpayers, which will enable the SSC herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntarily tax compliance. ठीक है जी। तो फाइनेंस बिल में इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नए सेक्शंस लॉ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। न्यू सेक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस अपडेटेड रिटर्न, जो आज की डेट में इंट्रोड्यूस किया है। कौन से सेक्शंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं? 139 की सीरीज में गवर्नमेंट ने नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं। सेक्शन 139 में एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 139(8) की अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हो। और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक और चीज गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करनी पड़ी अंडर सेक्शन दिस 140B, कि जो आपने अपडेटेड रिटर्न भरी है उस अपडेटेड रिटर्न पे आपका टैक्स क्या बनेगा। तो सबसे पहली चीज यह है कि अपडेटेड रिटर्न एक तरह का रिटर्न में रिवीजन है, लेकिन वो सेक्शन 139(5) के स्कोप में कवर्ड नहीं है। अपडेटेड रिटर्न एक तरह से एग्जिस्टिंग रिटर्न जो हम भरते हैं, जिसका रिवीजन करते हैं, उस वही एक तरह से आप अपने रिटर्न को रिवाइज ही कर रहे हो। लेकिन इससे गवर्नमेंट ने रिवाइज रिटर्न नहीं बोला, बिकॉज गवर्नमेंट ने यहां पे आपसे बहुत एडिशनली टैक्स डिमांड किया है। प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न, सेक्शन 139 एक्ट ऑफ द एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय द टैक्स पेयर्स। यहां पे लिखते हैं क्या क्या रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है। जनरल डेट 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर होती है। जिन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। इसके बाद अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ लगता है तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर होती है। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम आपको सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न भरने का टाइम देते हैं, सेक्शन 139(5) में हम आपको रिविजन का टाइम देते हैं। The object of section 139 of the act is to provide give reasonable time to the taxpayer to file a correct statement of his income within the duration specified under the act. ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, it is proposed to introduce a new provision in section 139 of the act for filing an updated return of income by any person whether he has filed a return previously for the assessment year or not. आपने चाहे पहले रिटर्न भरी थी या रिटर्न नहीं भरी थी, चाहे आपने पहले रिटर्न भरी थी या नहीं भरी थी, आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। The proposal for updated return over a period longer than that is provided in the existing provisions of Income Tax Act would on the one hand bring use of huge data with the IT department to a logical conclusion resulting in additional revenue realization, and on the other hand it will facilitate ease of compliance to the taxpayer in a litigation free environment. देखो गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का पूरा मैकेनिज्म है ना, गवर्नमेंट आज की डेट में टैक्सपेयर्स की सोशल हैंडल्स को भी देखती है, उनके फेसबुक प्रोफाइल, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इन सब चीजों को देख के गवर्नमेंट देखती है कि भाई आप कहां कहां घूम रहे हो, क्या आपका लेवल है इतना घूमने का, आप कहां कहां घूम रहे हो, क्या आपका लेवल है इतना घूमने फिरने का, आप कहां कहां पैसे खर्च कर रहे हो, क्या क्या असेट्स खरीद के लेके आ रहे हो। कल को फ्यूचर में गवर्नमेंट को कोई भी ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलता है विच यू हैव कैरिड आउट विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द इनकम दैट यू हैव डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांगती है। एग्जिस्टिंग रूट में तो क्या होता है, ऑफिसर इससे एस्केप्ड इनकम मान के आपके अगेंस्ट नेगेटिव ऑर्डर पास कर देता है,
और फिर मामला लिटिगेशन में टक जाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है अच्छा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अपने रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न भर देना, हम आपको ऑप्शन देंगे आप अपडेटेड रिटर्न भर दो। अपडेटेड रिटर्न में आपको टैक्स देना ही है, आपका एप्लीकेबल टैक्स और एप्लीकेबल इंटरेस्ट आपको देना ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एप्लीकेबल टैक्स प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट, दोनों चीजें आपको देनी है। तो एप्लीकेबल टैक्स प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट आपको देना ही है, प्लस यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एडिशनल टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस एडिशनल टैक्स? ये एडिशनल टैक्स क्या है? आपको अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक का टाइम देती है। अगर मानो आपने अपडेटेड रिटर्न भरी, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न भरी आफ्टर 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, व्हाई आई एम सेइंग आफ्टर 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, बिकॉज 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो या अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न एंड रिटर्न रिवीजन का जो टाइम है तो वो 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक है। सो आफ्टर 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और After 31st December of assessment year, but up to 1 year from assessment year, 31st December of assessment year से अगले 1 साल तक, up to 1 year from assessment year, यहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 25% ऑफ योर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। और अगर आप इसे भरते हो आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर, तो यहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 50%, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये बहुत लंबी गवर्नमेंट ने यहां पे कहानी लिखी हुई है कि कितना टैक्स आपको देना है। बहुत डिटेल्ड लॉ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताई है ये वाली चीज कि क्या टैक्स देना है। वेयर नो रिटर्न फर्निश्ड अर्लियर, वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अर्लियर, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपको देना है, इन सब चीजों के बारे में लिखा है। एक जगह पे 25%, एक जगह पे 50%। तो बहुत गवर्नमेंट ने कहानी लिखी हुई है यहां पे। ये देखो यहां लिखा हुआ है, द एडिशनल टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 शैल बी इक्वल टू 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज डिटरमिंड इन सब पैराग्राफ्स 1 और 2 अबव इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल अंडर सबसेक्शन 4 और 5 ऑफ सेक्शन 139 एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। However, if such return is furnished after the expiry of 12 months from the end of the relevant assessment year, but before the completion of the period of 24 months from the end of the relevant assessment year, the additional tax payable shall be 50% of aggregate of tax and interest payable as determined in subparagraphs. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि अगर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट सर्च की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर चुका है या एस्केप्ड इनकम्स की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर चुका है या आपके अगेंस्ट और कोई नेगेटिव एक्शन सर्वे आ चुका है, आपके अगेंस्ट कोई नोटिस आ गया कि आपके पास कोई एस्केप्ड इनकम है, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो बहुत डिटेल्ड लॉ है, इट्स नॉट अ स्मॉल लॉ। अपडेटेड लॉ की जो स्कीम है बहुत डिटेल्ड लॉ है, जिनमें से कुछ चीजें हम सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम सीए फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। तो अब देखना है अपडेटेड रिटर्न किस तरह से तो इंप्लीमेंट होती है, क्या इसका फ्यूचर है। अपडेटेड रिटर्न के बारे में ना अभी टाइम लगेगा चीजों को इंप्लीमेंट होने में, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है असेसमेंट ईयर के एंड से अगले 2 साल तक ये काम हो सकता है। तो अभी तो साल शुरू होगा, फिर उसकी रिटर्न जाएगी, फिर उसके बाद अपडेटेड रिटर्न जाएगी। क्या प्रोसेस कहता है, किस तरह से डिपार्टमेंट इसको कैरी फॉरवर्ड करता है, देखने वाली चीज है। और क्या सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो आज के बजट में हमें देखने के लिए मिली? एक हम टॉपिक पढ़ते हैं एनपीएस का, नोटिफाइड पेंशन स्कीम का। यहां पे हम पढ़ते हैं कि अगर इंडिविजुअल खुद पैसा कंट्रीब्यूट करता है अपनी इनकम से तो उसे बेनिफिट मिलता है 80CCD1 में, और अगर वो उसका इंप्लॉयर पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो पहले वो इंप्लॉय की इनकम में एड किया जाता है, बाद में आप उसे 80CCD2 में डिडक्शन अलाउ करते हो। What is the quantum of deduction under section 80CCD2? The quantum of deduction under section 80CCD2 is 10% of salary. Lekin agar if employee is central government employee,
इफ एम्प्लॉय इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वहां पे जो डिडक्शन है वो डिडक्शन ली जाती है 14% ऑफ सैलरी। तो सेक्शन 80 सीसीडी 2 में जो 14% का हायर डिडक्शन है दैट वाज अवेलेबल ओनली टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नाउ गवर्नमेंट हैज पास्ड ऑन दैट बेनिफिट टू अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल। गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कंटेक्स्ट में भी पास ऑन किया है। दिस इज गिवन अंडर पैराग्राफ 128 ऑफ द बजट स्पीच। पैरा 128 ऑफ द बजट स्पीच सेज पैरिटी बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the national pension system tier 1. This is allowed as deduction in computing the income of the employer. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state government. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the NPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. So, the change over change ye hai. कि जो 14% का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होता था वो बेनिफिट अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी रहेगा। सो नाउ द रिवाइज लॉ विल बी दैट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 शैल बी 14% ऑफ सैलरी फॉर अदर एम्प्लॉयज The benefit shall still remain 10% of salary. अगर मैं examination की perspective की बात करूँ ना, so all these changes will be applicable with effect from May 2023 examination. Income tax में जो भी बदलाव है वो May 2023 exam से लगेंगे. They will not be applicable in May 2022 and November 2022 examinations. इसके अलावा एक और interesting चीज budget में देखने के लिए मिली. देखो जब वेन वी कंप्यूट आवर पीजीबीपी इनकम, जब हम अपनी पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते हैं, वी सी दैट वी कैन नॉट डेबिट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू द पीएनएल लॉ। इनकम टैक्स का अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स का अमाउंट मैं अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डेबिट द इनकम टैक्स अमाउंट टू माई पीएनएल अकाउंट। व्हाई आई कैन नॉट डेबिट माई इनकम टैक्स अमाउंट टू द पीएनएल अकाउंट? बिकॉज वी सी द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द पीएनएल अकाउंट अंडर टैक्सेशन इज टू अराइव एट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। So I cannot debit the amount of income tax to the P&L account. Surprisingly, recent past में कुछ ऐसे judgments आए जिन्होंने कहा कि यहां पर income tax लिखा है ना, तो this income tax means only the tax amount. This income tax means only the tax amount. मतलब income tax में जो आप surcharge pay करते हो या जो आप health and education से pay करते हो, ये हेल्थ एंड एजुकेशन से आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। बहुत ही सरप्राइजिंग को जजमेंट आई। उन्होंने कहा, वो बोलते ना बाल की खाल निकालना, अ लिटरल इंटरप्रिटेशन, दे सेड दैट यहां पे लिखा ना द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैन नॉट बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। द कोर्ट सेड दैट यू हैव टू इंटरप्रेट इट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स अमाउंट, यू डू नॉट हैव टू इंटरप्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब आप पीएनएल अकाउंट में सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डेबिट कर सकते हो। तो भाई मैडम को बड़ी चुभी ये बात। उन्होंने इस वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी अपनी बजट स्पीच में। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ऐसा अलाउ करूंगी बिल्कुल भी, ये नहीं मिल पाएगा आपको। तो इन पैरा 135 ऑफ द बजट स्पीच, क्योंकि उनके पास कुछ बड़ी बात तो थी नहीं बहुत ज्यादा कहने के लिए, तो छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने इसमें डाला हुआ है। पैरा 135 ऑफ द बजट स्पीच, व्हाट डज इट से? क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. Income tax एक allowable component नहीं है for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate this legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. इन्होंने फाइनेंस बिल में बकायदा इस चीज को लेके एक क्लैरिफिकेशन डाल दी
कि भैया हम आपको जब इनकम टैक्स बोल रहे हैं तो इनकम टैक्स में हम यहाँ पे आपको सरचार्ज और सेसेस इनका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं देंगे. प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सरचार्ज और सेस का अमाउंट माइनस कर सकते हैं. ये देखो जी, इन सेक्शन 40 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन क्लॉज ए इन सब क्लॉज टू आफ्टर एक्सप्लेनेशन टू the following explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the first day of April 2005, namely, for the purpose of removal of doubts, it is hereby clarified that the, for the purposes of this clause, the term tax shall include and shall be deemed to have always included any surcharge or cess by whatever name called on such tax. इसके अलावा सेक्शन 43 बी के कंटेक्स्ट में भी एक क्लैरिफिकेशन आई. अब लोग भी कम नहीं होते. सेक्शन 43 भी कहता है दैट सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड टू बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड टू बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. चाहे आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, लेकिन सेक्शन 43 बी में कुछ खर्चे तभी माइनस करना अलाउ किया जाएगा जब आपने उन्हें एक्चुअली में पे कर दिया हो. टिल व्हेन यू कैन पे दिस अमाउंट? यू कैन पे दिस अमाउंट टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. यहां पे टोटल कुछ 6-7 चीजें लिखी होती है, जिसमें से वन ऑफ द थिंग्स इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी स्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो यहां पे एक चीज लिखी थी कि अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग लोन को एक फ्रेश लोन में या फ्रेश एडवांस में कन्वर्ट करा लेते हो, conversion of outstanding loan into a fresh loan or advance does not mean conversion of a fresh loan conversion of an outstanding loan into fresh loan or advance does not mean ki aapki actually mein payment ho chuki hai. Just because aapka outstanding loan ek fresh loan ya advance pe convert ho jata hai, it does not mean ki outstanding interest jo hai, aapka jo outstanding interest hai wo agar ek fresh loan ya advance pe convert ho jata hai, it does not mean ki aapka interest pay ho gaya hai. इंटरेस्ट तो तभी पे हुआ माना जाएगा जब आप ये फ्रेश लोन या एडवांस पे करोगे. तो लोगों ने कहा पता क्या कि यहां पे सिर्फ लोन और एडवांस लिखा है, एक काम करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ना डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर कहेंगे ये वाला पॉइंट हम पे लगेगा ही नहीं. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज लॉ में तो लिखा हुआ है दैट द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्रेश लोन और एडवांस. वी हैव नॉट कन्वर्टेड आवर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू अ फ्रेश लोन और एडवांस, वी हैव कन्वर्टेड आवर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर्स. तो गवर्नमेंट को यहां पे भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी. गवर्नमेंट ने यहां पे अच्छे से क्लैरिफिकेशन दी है. In Section 43B of the Income Tax Act, with effect from the first day of April 2023, explanations mein ye change aayega. After the words loan or borrowing, the words or debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred to a future date shall be inserted. After the words loan or borrowings, the words or debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred to a future date. तो ना तो गवर्नमेंट कम है ना लोग कम है, और इसीलिए इनकम टैक्स के लॉ में एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिफिकेशंस का जो चलता हुआ आया ना, इन क्लैरिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस का दौर जो चलता हुआ आया है इनकम टैक्स के लॉ में, वो क्लैरिफिकेशन का दौर हमेशा चलता ही रहेगा और हमारा जो लॉ है वो लॉ और वॉल्यूमिनस होता रहेगा. ये देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट. हाउएवर सर्टेन टैक्स पेयर्स आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन एन एक्जिस्टिंग लोन इनटू डिबेंचर ऑन द ग्राउंड दैट सच कन्वर्जन इज अ कंस्ट्रक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी एंड देयरफॉर अमाउंटेड टू एक्चुअल पेमेंट विच हैज बीन अपहेल्ड बाय सेवरल कोर्ट्स. सच इंटरप्रिटेशन इज अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन. The section was introduced to curb the mischief of claiming deduction by the assessee without paying interest to financial bank, NBFC, financial institutions, NBFC, scheduled bank or a cooperative bank. So, in view of the above, it is proposed to amend explanation 3C, 3CA, explanation 3D of section 43B. To provide that conversion of interest payable under these clause into debenture or any other instrument by which liability to pay is deferred to a future date shall also not be deemed to have been actually paid. So, यार इनकम टैक्स में जो मोटे मोटे प्रोविजन है ना, वो मोटे मोटे प्रोविजन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं. एक कोविड रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट से कि यार
कोविड के दौरान अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिला ट्रीटमेंट के लिए, या एम्प्लॉय की डेथ के बाद अगर पैसा फैमिली मेंबर्स को मिला, एम्प्लॉय की डेथ के बाद पैसा अगर फैमिली मेंबर्स को मिला, तो उस कंटेक्स्ट में सेक्शन 56(2)(10) जो हमारा गिफ्ट का सेक्शन है, उस कंटेक्स्ट में कुछ अमेंडमेंट है। ये देखो, एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ड्यू टू COVID-19, क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 10 ऑफ 56, मतलब सेक्शन 56(2)(10) जो गिफ्ट को टैक्स करने का सेक्शन होता है। सो क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रुपीज, ये आपके हाथ में गिफ्ट की तरह टैक्स हो जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ प्रेस स्टेटमेंट डेटेड 25 जून 2021, वेयर इट वॉज अनाउंस दैट इनकम टैक्स शैल नॉट बी चार्ज ऑन द अमाउंट रिसीव बाय अ टैक्स पेयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 या सब्सिक्वेंट ईयर्स में किसी भी एम्प्लॉयर से या किसी भी पर्सन से कोई भी पैसा मिलता है कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उसको गिफ्ट की तरह नहीं मानेंगे, उससे हम टैक्स नहीं करेंगे। इट वॉज फर्दर अनाउंस दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ सच टैक्स पेयर, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड टू एक्स ग्रेशिया पेमेंट रिसीव बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ सच पर्सन और फ्रॉम अदर पर्सन ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। Also, it was stated that the exemption shall be allowed without any limit for the amount received for the employer, and the exemption shall be limited to rupees 10 lakh in aggregate for the amount received from any other person. तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आई थी उस दौरान ये वाली क्लैरिफिकेशन इंट्रोड्यूस की थी, तो उसके कंटेक्स्ट में आज की डेट में लॉ में भी बदलाव कर दिया गया है। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर इस वाले पॉइंट को लेकर चीजें इंसर्ट कर दी गई हैं कि आपको ये वाला पैसा मिलता है तो ये वाला पैसा टैक्स नहीं होगा। फर्दर देयर इज वन मोर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड पर्सन, कुछ खास नहीं है, है क्या? सेक्शन 80DD होता है ना, वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए कहता है कि अगर आज की डेट में आपने उसकी डिसेबिलिटी पे कोई पैसा खर्च किया है या आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी प्लान खरीदा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, सॉरी आपको 80DD में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट होता था कि आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब पैसा डिसेबल्ड पर्सन को मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज टेकन द पॉलिसी। द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80DD इंटर एलिया प्रोवाइड फॉर अ डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल और HUF हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बींग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और अमाउंट पेड टू LIC और एनी अदर इंश्योरर और एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्कीम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। Subsection 2 of the aforesaid section provides that the deduction shall be allowed only if the payment of annuity or lump sum amount is made to the benefit of the dependent in the event of the death of the individual or the member of the HUF in whose name subscription to the scheme has been made. मतलब जो पर्सन, जो इंडिविजुअल या HUF का मेंबर डिसेबल्ड पर्सन के लिए पॉलिसी ले रहा है, उसकी डेथ के बाद अगर पैसा मिलेगा तभी ये वाला बेनिफिट मिलेगा। Subsection 3 of the aforesaid section provides that if the dependent with disability predeceases the individual or member of the HUF, the amount deposited in such scheme shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year in which such amount is received by the assessee. Section 80DD में हम कहते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा जमा किया, भाई देखो आज की डेट में फादर है और उनका उनके जो सन है वो सन हैंडीकैप्ड है, तो फादर को बड़ी टेंशन है कि कल को उनके अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद हैंडीकैप्ड सन का खर्चा कौन देखेगा, तो इसीलिए पहले ही आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्लान ले लेते हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप डिपेंडेंट। बट यहां पे आपको डिडक्शन तभी मिलता है जब पैसा हैंडीकैप्ड सन को जो एनविटी चालू होगी वो फादर की डेथ के बाद होगी, यही चीज यहां लिखी है। Deduction shall be allowed only if the payment of annuity or lump sum amount is made to the benefit of the dependent in the event of death of the individual or the member of the HUF. कि जिस
इंडिविजुअल ने या एचयूएफ के मेंबर ने इस डिसेबल्ड पर्सन के लिए पॉलिसी ली है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी और डेथ के बाद पैसा जो है वो एन्युटी में या लमसम में डिसेबल्ड को मिले तभी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज सोचो, कल को मानो ये जो फादर है, ये फादर फ्यूचर में काफी एजेड हो जाते हैं, तो यार फ्यूचर में जब एजेड हो जाते हैं, ही माइट नॉट बी अर्निंग एनी एक्टिव इनकम, कोई मे बी अच्छी इनकम ना कमा पा रहे हो। सो व्हेन ही माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू अर्न एनी एक्टिव इनकम, सो इन दैट सिचुएशन ही माइट नीड मनी फॉर द हैंडीकैप डिपेंडेंट। हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए मे बी इन्हें कुछ पैसा चाहिए हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो एक रिट पिटीशन लगाई गई थी, इन द रिट पिटीशन नंबर 1107 ऑफ 2017, रवि अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, जस्टिस ए के सीकरी ऑब्जर्व दैट देयर कुड बी हार्श केसेस वेयर हैंडीकैप डिपेंडेंट मे नीड पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम बेसिस इवन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्डियन। It was further observed that the center may take into consideration all the aspects, including those where a disabled dependent might need payment on annuity or lump sum basis, even during the lifetime of the parents or the guardian. Therefore, in order to remove this genuine hardship, it is proposed to allow the deduction under the said section also during the lifetime upon attaining age of 60 years or more of the individual or the member of the HUF in whose name subscription to the scheme has been made and where payment or deposit has been discontinued. So, देखो क्या है? अब father की अगर age 60 years या इससे ज़्यादा है और फादर ने इस स्कीम में फर्दर पैसा डिपॉजिट करना या पेमेंट करना डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके बाद हैंडीकैप डिपेंडेंट को कोई भी पैसा मिलता है इधर इन लमसम और बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर फादर फिर जो वो अमाउंट मिलेगा उसके उसके लिए आपको आपके हाथ में वो पैसा टैक्स नहीं होगा और आपको सेक्शन 80DD में डिडक्शन भी अलाउ कर दी जाएगी। सो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, दीज डॉक्यूमेंट्स वर रिलीज्ड इन द पब्लिक डोमेन एट अराउंड 2:30 के आसपास आए थे। सो जितना भी आई कुड स्टडी इन 3-4 आवर्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ कंप्लीट, देखो इतने कम टाइम में इतना सारा लॉ आप नहीं पढ़ सकते, जितना भी मैं 3-4 घंटे में लॉ पढ़ पाया था, एनालाइज कर पाया था, उसमें से मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। थोड़ा सा एक बार जीएसटी भी देख लेते हैं। जीएसटी के अंदर क्या होता है, जीएसटी में कोई भी चेंज अगर बजट में आता है ना, सो दैट चेंज इज नॉट इंप्लीमेंटेड इमीजिएटली, वो चेंज एकदम इमीजिएटली इंप्लीमेंट नहीं होता। वो जो चेंज है ना, जीएसटी का कोई भी बदलाव तभी एप्लीकेबल होता है जब जीएसटी काउंसिल में उसके लिए अप्रूवल आ जाता है। सो ये वाली चीज ना सेक्शन 2 जो होता है फाइनेंस बिल का, जो सेक्शन 2 होता है उसमें बहुत क्लियरली ये वाली बात बोल दी जाती है, कि जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी चेंज है ना, वो चेंज इमीजिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी चेंज है वो चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो सेक्शंस 2-84 शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022। सेक्शंस 2-84 शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022, मतलब ये जो होता है ना, ये इनकम टैक्स वाले चेंजेस है कि इनकम टैक्स के जो चेंजेस है वो तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शंस 99-113 शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ये जीएसटी वाले चेंजेस है, ये चेंजेस इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होंगे। जीएसटी के चेंजेस तब एप्लीकेबल होंगे जब जीएसटी के रिस्पेक्ट में प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी। जीएसटी के जो चेंजेस है उनमें क्या लगा, देखो जीएसटी में ना गवर्नमेंट की एक अप्रोच है, रैंडमली कभी भी कोई भी लॉ लेके आ जाओ, रैंडमली ब्रिंग एनी लॉ और चेंज, कोई भी बदलाव लेके आ जाओ। एग्जाम्पल रूल 36(4) नाम का एक रूल आया था कि अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस या डेबिट नोट की डिटेल्स, वो डेबिट नोट की डिटेल या इनवॉइसेस की डिटेल अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं की तो रेसिपिएंट का आईटीसी जो है वहां पे लिमिट कर दिया जाएगा। इनिशियली इन्होंने बोला कि लिमिट किया जाएगा एट 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स अपलोडेड
ऑन इनवॉइसेस ऑब्लिक डेबिट नोट्स अपलोडेड। फिर 1 जनवरी 2020 से इस 20% को ड्रॉप कर दिया गया 10% पे। फिर 1 जनवरी 2021 से इस 20% को ड्रॉप इस 10% को ड्रॉप कर दिया गया 5% पे। मजे की बात यह थी जो CGST का एक्ट है उसमें कोई ऐसा सेक्शन ही नहीं था जहां से ऐसी कुछ करने की पावर आए। तो ये लॉ पहले लेके आते हैं, उसे एप्लीकेबल करा देते हैं, लोग फिर उसको डिस्प्यूट करते हैं और अपने चेंज को वैलिड करने के लिए बाद में CGST एक्ट में बदलाव कर देते हैं कि हां इसमें प्रोविजन, और मान लो ये प्रोविजन स्टार्टिंग से था, मान लो कि ये प्रोविजन जीएसटी लॉ में स्टार्टिंग से था। आप लोगों ने शायद एक और रूल के बारे में सुना हो, रूल 86B। रूल 86B बोलता है कि अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ, ₹50 लाख से ज्यादा है तो आप ITC के थ्रू मैक्सिमम 99% पैसा पे कर सकते हो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का। मिनिमम 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। रूल 86B इज एक्चुअली एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। लेकिन मजे की बात है CGST एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो CGST एक्ट में चेंज तो 1 जनवरी 2021 को लेके आ गए हैं, लेकिन CGST एक्ट में ऐसा प्रोविजन जो है वो ऐसा प्रोविजन हम इंट्रोड्यूस करेंगे बजट 2022 में। टू बी रियली ऑनेस्ट, GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ वेरी नोबल अप्रोच, बहुत ही नोबल अप्रोच के साथ GST इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट समझ नहीं आ रहा कि अब GST का फ्यूचर क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट का जब मन किया जो मन किया गवर्नमेंट यहां पे बदलाव लेके आ जाती है और बाद में उस बदलाव को सपोर्ट करती है बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द लॉ लेटर ऑन। जैसे मैं आपको जो पॉइंट बोल रहा हूं ना, उस वाले पॉइंट का मैं आपको एक्चुअल अमाउंट बताता हूं। एक्चुअल ये देखो, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 49। इन सेक्शन 49 ऑफ द CGST एक्ट जो पेमेंट का सेक्शन है, वहां पे इन्होंने क्या लिखा, आफ्टर सबसेक्शन 11 द फॉलोइंग सबसेक्शन सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल subject to such conditions and restrictions specify such maximum proportion of output tax liability under this act or under the IGST act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons as may be prescribed. To maximum 99 per rule 86b yahi kehta hai, Rule 86B जो है वो यही कहता है कि आप मैक्सिमम 99% अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ITC के थ्रू डिस्चार्ज कर सकते हो, बैलेंस 1% मिनिमम 1% लाइबिलिटी हैज टू बी डिस्चार्ज्ड इन कैश। सो यार आइडियली तरीका क्या होता है कि आइडियली पहले सेक्शन आएगा और सेक्शन के बाद रूल आएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो GST में कहानी ही अलग कर चुकी है कि GST में आजकल होता क्या है, पहले रूल आता है और उसके बाद सेक्शन आता है। जैसे ये रूल 86B के कॉन्टेक्स्ट में जो कहानी है, ये रूल आपका 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है, लेकिन सेक्शन तो बजट 2020 से डालेंगे और उसके बाद तो ये अभी तो डाला है बजट 2022 में डालेंगे और अभी तो ये बाद में नोटिफाई होगा प्रैक्टिकली, एक्चुअली में पहले ही आ चुका है। ये सेम काम इन्होंने वो रूल 36(4) पे भी किया। तो इनकी कहानी ही अलग है GST में। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज जो इस बार के लॉ में देखा गया वो क्या है, हम कहते हैं कि एक सप्लायर को अगर अपने इनवॉइसेस डेबिट नोट्स इन सबको जो अपलोड डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट इन सबको जो अपलोड करना होता है उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है। क्या टाइम लिमिट होती है, वी से 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। Whichever is earlier, 20th October of next financial year, or date of filing of annual return, whichever is earlier. लेकिन आज गवर्नमेंट ने ये डेट हटा के यहां 30th November कर दी है कि एक पर्टिकुलर साल के invoices, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप कब तक ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड इट टिल 30th November ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। So this is a genuine benefit which gives a greater amount of time for the suppliers to upload the details of their invoices, debit note and credit note, and give a corresponding time to the recipient to make the changes in his records. इसके अलावा GST के लॉ में और क्या बदलाव है भाई? ये जो आपने मेरे साथ रूल 36(4) के ऊपर डिस्कशन देखा था, ये 1 जनवरी 2022 से हो गया था। 1 जनवरी 2022 जो है वहां से हो गया था कि ये निल हो गया। मतलब अगर सप्लायर ने इनवॉइस को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया तो रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इफ द सप्लायर इज नॉट अपलोडिंग द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स इन हिज जीएसटी R1, द रेसिपिएंट विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। इस चीज को वो लॉ में पहले भी चेंज कर चुके थे और आज भी फाइनेंस बिल में सेक्शन 16 में इस वाले पॉइंट को रीअफर्म कर दिया गया। सेक्शन 16 जो इन्होंने लिखा हुआ है यहां पे, इन द CGST एक्ट इन सेक्शन 16 इन सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड बी द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। कि अब जो पोर्टल है, एक तो पोर्टल आपको बताएगा कि इनवॉइस अपलोड हुआ है नहीं हुआ, और यहां पर बोला गया है कि आपका इनपुट टैक्स रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। अब ये क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये आगे टाइम बताएगा। ये चीज मैंने आपको बोली हुई, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, द वर्ड्स 30th डे ऑफ नवंबर। जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फर्निश करने की वो जनरली 20th होती थी, तो 20th अक्टूबर की जगह पे अब गवर्नमेंट ने टाइम 30th नवंबर कर दिया। एक और जीएसटी में गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है सेक्शन 38, एंड सेक्शन 38 में दे हैव सेड दैट the details of inward supplies which have been furnished, the details of inward supplies which have been furnished, the details of outward supplies which have been furnished by the dealer in section in GST R1 as per section 37, uske basis pe recipient ko inward supplies ki communication jayegi aur isme ITC ki communication bhi jayegi as per section 38. dekho, the GST law that was initially introduced in 2017, वहां पे तीन सेक्शन थे, सेक्शन 37, 38 एंड 39। 37 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल मांगी जाती थी GST R1 में, 38 में कहा गया था लोगों से इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरवाएंगे GST R2 में, सेक्शन 39 में कहा गया था कि इनसे मंथली रिटर्न भरवाएंगे इन GST R3 में। प्रैक्टिकली GST R3 कभी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था, तो गवर्नमेंट ने GST R3 भी की मंथली रिटर्न से काम चलाया और GST R2 कभी भी एप्लीकेबल हुआ ही नहीं था। कभी भी आपको इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरनी नहीं थी। रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट स्टार्ट किए हैं GST R2A एंड GST R2B, और फिर गवर्नमेंट ने अभी GST R2A डिसकंटिन्यू करने की भी बातें की है। बात क्या है, रिटर्न फाइलिंग का जो लॉ है वो लॉ बनाया गया था 2017 के बाद, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड, प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स वी फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड जो पोर्टल रिलेटेड इश्यूज थे, उसकी वजह से हम प्रॉपरली कभी रिटर्न्स भर ही नहीं, मतलब जिस मैनर में लॉ में लिखा गया था वो मैनर कभी प्रैक्टिकली फुली एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था, लेकिन लॉ एज इट इज लिखा हुआ था। प्लस इसके बाद ये भी बोला जाता था आपके इनपुट, आपकी आउटवर्ड सप्लाईज को, आपकी इनवर्ड सप्लाईज को सप्लायर की आउटवर्ड डिटेल से मैच करेंगे, पूरा एक मैचिंग प्रोसेस होता था। जीएसटी में अलग अलग सेक्शंस थे, 41, 42, 43, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिलीशंस मारे हैं क्योंकि वो काम कभी एक्चुअली में हुआ ही नहीं। सेक्शन 39 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये अमेंडमेंट्स दे विल बी एप्लीकेबल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वैसे भी अगर आपको पता हो, इन केस यू आर वर्किंग इन जीएसटी राइट नाउ, तो 1 जनवरी 2022 से जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को लेके, बाकी चीजों को लेके बहुत बदलाव आए हैं और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां चीजें लिखी गई हैं।
इसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शंस 42, 43 एंड 43A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शैल बी ओमिटेड, यहाँ पे सारा का सारा मैचिंग मैकेनिज्म होता था, देयर यूज्ड टू बी अ मैचिंग मैकेनिज्म कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपके कंसर्न सप्लायर के जीएसटीआर 1 के साथ, आपके कंसर्न सप्लायर के जीएसटीआर 1 के साथ मैच किया जाएगा। कल को आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा रिड्यू, अपने अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा रिड्यूस कर ली, रेसिपिएंट ने अपने आईटीसी कॉरेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस नहीं किया, तो ये सारी चीजें, सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द लॉ नाउ। वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, द लॉट ऑफ चेंजेस विच हैव बीन इंसर्टेड अंडर द लॉ इज ड्यू टू द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस विच हैज चेंज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। बहुत सारे चेंजेस आए हैं जीएसटी में, आए हैं अभी और भी आ गए, अभी लास्ट वीक में भी जीएसटी में चेंजेस आए हैं, तो उन सब चीजों को धीरे धीरे लॉ में इंसर्ट किया जा रहा है। बट जो भी ये चेंजेस हैं ये कब एप्लीकेबल होंगे इसके लिए रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस में बात कही जाएगी। हैविंग सेड सो, आज के बजट को अगर कंक्लूड करना हो तो यार कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म व्यू, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने रेलवेज, हाईवेज, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीजों के ऊपर बहुत फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के चीजें इंसर्ट की है, लेकिन जब भी एक बजट आता है एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे कुछ मिलेगा, तो बजट देख के लगता है कि हाँ कंट्री सही डायरेक्शन में जा रही है, फ्यूचर में कंट्री की ग्रोथ होगी, कंट्री के इंडस्ट्रीज पे, कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ध्यान दिया गया है, कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में पैसा लगना चाहिए, इट हैज बीन वेरी केयरफुली थॉट ऑफ, लॉन्ग टर्म में हमारी इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये चीज देख के दिख रही है। लेकिन आज एक आम आदमी का झोला बिल्कुल भी नहीं भरा है, कंप्लीटली खाली रहा है। एक आम आदमी जो एक्सपेक्ट करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट उसे बजट में कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी दे, तो आज ऐसी पार्टी हुई जहां पे बिना कोई गिफ्ट देके आपको भेज दिया गया है। बहुत उम्मीदों के साथ लोग आए थे बट असल मायने में उनको ठेला भी नहीं मिला है, उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया, कुछ भी नहीं है इनके लिए। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचो, लॉन्ग टर्म की बात सोचो, लेकिन एक आम आदमी इतनी फ्यूचरिस्टिक चीजों को नहीं देखता, वो तो कहता है आज की डेट में मेरा टैक्स में क्या फायदा। अ लॉट ऑफ पीपल मे ऑल्सो आस्क मी कि जी बजट आया है हमें टैक्स में क्या बेनिफिट है, तो मेरा तो जवाब ये रहेगा जी आपको कोई बेनिफिट किसी तरह का नहीं है, बिकॉज जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो लार्जर जनरल पब्लिक को तो अट्रैक्ट करते ही नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में जो चेंज है वो भी नेगेटिव तरीके से कि टैक्स आया हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स रेट का रिडक्शन है, सरचार्ज रेट का रिडक्शन है, दैट इज एप्लीकेबल टू सुपर रिच पीपल। सो अ कॉमन मैन हैज बीन कंप्लीटली ओवरलुक्ड इन दिस बजट। यस, दिस बजट इज फॉरवर्ड लुकिंग, दिस बजट लुक्स एट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल, बट फॉर द कॉमन पर्सन देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट इन दिस बजट। ठीक है जी, सो व्हाटएवर एनालिसिस वॉज पॉसिबल फ्रॉम माई एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 hours, आई हैव शेयर्ड दैट एनालिसिस विद यू in the I have shared that analysis with you in the past 1.5 hours. I hope you found this session very informative and very interesting. A lot of things that we discussed are something that you can see in your daily life or you study in your daily life. So the small effort from our end in order to let you know that what happened today, upar upar se nahi, thoda dhang se, you will get a lot of one liner messages, ye ho gaya, wo ho gaya, etc. But as a tax professional, as a CA, we need to have a good knowledge ki change kahan hai, kahan nahi hai. So we have tried an effort from our, we have made an effort from our end in order to give you a little insight to today's budget. Baki going forward, jo bhi koi aur developments hogi, we'll remain in touch with you and give you information about that. How much we would rate today's budget out of 10? I will simply rate it as a 5. Why? फ्यूचर को बहुत देखा है लेकिन करंट को देखा नहीं है। करंट में पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर इनकम बिकॉज लास्ट ईयर भी उनकी इनकम डिस्टर्ब हुई थी कोविड की वजह से, अभी भी कोविड की वजह से उनका बिजनेस इंपैक्ट है, लोग कुछ तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कुछ देखने को नहीं मिला। रितिका सिंह, टैक्सेशन क्लासेस फॉर सी इंटर November 22, यू कैन टेक द एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ द September 21 बैच, अभी ऑनगोइंग बैच है, फिनिश होने वाला है नेक्स्ट वीक में, आप उसके रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, दोज विल बी कंप्लीटली एप्लीकेबल फॉर योर November 22 एग्जाम्स। इन केस यू वॉन्ट फेस टू फेस और लाइव क्लासेस, द न्यू बैच विल बी स्टार्टिंग मोस्ट लाइकली फ्रॉम 1st of March, 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। सो इन केस यू वांट फेस टू फेस और लाइव क्लासेस, यू कैन वेट टिल देन। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर क्लासेस इमीडिएटली, यू कैन ऑर्डर पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव क्लासेस।
So that's it from my side for the time being. I'll see you guys again with a lot more interesting content. Bye bye, take care, and please do read things about the budget in tomorrow's newspaper, whatever you can find. Bye bye.